हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसे कि आप देखने वाले हैं, मेरे पास है डुअल बैटरी कंसेप्ट और इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितने चार्जिंग एसी है और दो बैटरी में कैसे इसको काम कराया जा रहा है। तो इसमें भाई बस बिल्कुल शॉर्ट वीडियो रहेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल। इसका फुल कंसेप्ट हम स्टूडेंट्स को क्लास में बताते हैं कि कैसे डुअल बैटरी काम करती है। पहले के आप देख रहे थे 2000 mAh का बैटरी, 2500 mAh का बैटरी, 3000 mAh का बैटरी, और ये आप देखेंगे इसमें तो आपको 5000 mAh तक का बैटरी देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मैं करीब से बताना चाहूँगा आपको, देख सकते हैं 5000 mAh आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो 5000 mAh का बैटरी, और यहाँ पे ये भी देख लीजिए कनेक्टर्स, यहाँ पे एक कनेक्टर है और यहाँ पे एक कनेक्टर है, दो दो बैटरी इसमें है। तो इसमें एक छोटा सा आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं बता दूँ, अगर आपको इस पावर एसी पे जैसे यहाँ पे पीएम लग के 6375, यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे बकवल्स है, अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट करिए। यहाँ पे कौन सा सप्लाई आता है, चाहे एपीसी का, बक का, या फिर बक कोर सप्लाई हमारी, मॉडर्न सप्लाई, लोअर एलडीओ, हायर एलडीओ, क्या यहाँ पे बनते हैं, सारा चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तब। क्योंकि नए नए पावर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको डेड मोबाइल में उसको कैसे चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए नीचे। अभी के मोबाइल में काफी सारे मोबाइल में 38.4 MHz का क्रिस्टल आ रहा है, तो उसको कैसे चेक करना है क्या है? हम लाइव क्लास में बताते हैं, अगर आपको सीखना है तो July 27 का बैच है हमारा, बुकिंग चल रहा है, उसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं एक बैटरी का कनेक्टर आपको इस साइड में देखने को मिल जाएगा और दूसरा बैटरी का कनेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसका पटरा यहाँ पे मैंने निकाला है, जहां पे इस तरह से लिखा हुआ है NC NC D-D-, और अगर इस साइड में अगर आप देखोगे तो ये एक हमारे पास पत्रा है जिसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसमें फ्रेंड्स दो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और दोनों में अगर आप देखोगे तो एक में आपको I2C क्लॉक डाटा की सप्लाई मिलेगी, जैसे हमारी बैटरी आईडी और थर्मल लाइन आया करती थी, उसी तरह से अगर से इस लेफ्ट साइड के कनेक्टर में अगर आप चेक करोगे तो VBAT के साथ आपको क्लॉक डाटा की सप्लाई देखने मिलेगी और एक ग्राउंड, और अगर से इस तरफ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको VBAT का सप्लाई और सिर्फ साथ ही साथ ग्राउंड मिलेगा। तो ये मोबाइल हमारे पास किसी और रीजन से आया था, कोई और प्रॉब्लम की वजह से आया था, उस पर हमने काम कर लिया, उस पर हमने वीडियो बनाया, वो भी वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे देखोगे आप। ये वीडियो पे मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि दोनों बैटरी में क्या क्या सप्लाई आ रही है, और इस हैंडसेट में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो टोटल आपको 3 चार्जिंग आईसी दिखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मेन एक चार्जिंग आईसी आपको दिखेगा, उसके अलावा साउथ चिप करके 2 सपोर्टिंग चार्जिंग आईसी है, जो कि 2 चार्जिंग आईसी आपका मेन बैटरी को चार्ज कर रहे हैं जिससे आपका मोबाइल ऑन होता है, और एक सपोर्टिंग चार्जिंग आईसी है जिसको लगाने के बाद ही आपका मोबाइल ऑन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चार्जर, एक ही बैटरी की आप लगा दोगे तो मोबाइल ऑन होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप सिंगल बैटरी से इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर सिर्फ बैटरी का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं, यहां पे मैंने यहां पे देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं एक कनेक्टर यहां पे लगाया हूं जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक कनेक्टर अभी यहां पे ओपन है। तो यहां पे मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा, ये देख सकते हैं ऑन करूंगा, तो यहां पे बैटरी का सिंबल आकर आपका चला जाएगा, देख सकते हैं बैटरी का सिंबल आ रहा है और वापस से चला जा रहा है, ये देख सकते हैं, आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा ऐसे में, क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी लग के है, तो यहाँ पे आपको दूसरी भी बैटरी यहाँ पे लगाना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी बैटरी मैंने लगा लिया है, अब आपका हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं दो बैटरी को आपको लगाना है, अदरवाइज आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। दोनों बैटरी अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे, अभी मैंने यहाँ पे पावर की प्रेस कर दिया है और ये थोड़ी देर बाद ऑन भी हो जाएगा। बैटरी का सिंबल यहां पे है क्योंकि पहले आकर के था, मैंने बीच में इसको बैटरी लगाया, तो दोनों बैटरी एक बार निकाल लेते हैं, ये बैटरी और ये बैटरी दोनों मैंने निकाल, देखिए ऑन हो रहा था, तो यहां पे दोनों बैटरी मैंने लगा लिया है। अब पावर की प्रेस करेंगे तो मोबाइल हमारा ऑन हो जाएगा, ये देख सकते हैं अभी ये ऑन हो रहा है, फर्स्ट लोगो आ चुका है इसका। अभी यहाँ पे जब जैसे 3 डॉट चलेंगे तो सेकंड लोगो उसको जिसको हम कहते हैं तो वो भी यहाँ पे चलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल बैटरी से अगर आपको ऑन करना है तो कैसे आप ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सेकंड बैटरी लगाकर ही ऑन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल जब तक चलेगा सिंगल बैटरी से, लेकिन जब बंद हो जाएगा
तो दोबारा आपको फिर वही ट्रिक करनी होगी जिसको आपको ऑन करना होगा। ये देख सकते हैं सेकंड लोगों पे भी आ चुका है, अब ये पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। दोस्तों दोनों बैटरी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप एक बैटरी को लगा करके आप जैसा नॉर्मल यूज कर रहे हैं वैसे यूज करेंगे। तो ये मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है, तो सिंगल बैटरी आपको यूज करना है तो कैसे ऑन करना है यही ट्रिक मैं इसमें बता रहा हूं आपको। है दो बैटरी बट दोनों जब लगेंगे तभी मोबाइल ऑन होगा, लेकिन अगर आप एक ही बैटरी से मोबाइल को ऑन करके चलाना चाह रहे हैं तो जब तक मोबाइल बंद नहीं होता तब तक आप उसको चला सकते हैं, चार्जिंग भी होगा सब कुछ होगा। तो मैं यहां पे मोबाइल में यहां से बैटरी निकाल देता हूं, मोबाइल को एक बार ऑफ कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहां से मैंने पावर ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम दोनों बैटरी निकाल देंगे। ये देख सकते हैं दोनों बैटरी मैंने निकाल दिया है। अब अगर मुझको सिर्फ सिंगल बैटरी से अगर मोबाइल को ऑन करना है तो मैं सिर्फ सिंगल बैटरी यहां पे लगाऊंगा। जैसे हमने पहले यहां पर ऑन करके बताया था आपको, सिर्फ लोगो आएगा, खुलेगा नहीं। ये देख सकते हैं यहां पे सिंगल बैटरी से देख सकते हैं लोगो आया। अब इसको ऑन करना है तो अब मैं इसमें चार्जर लगाकर पावर की दबाऊंगा, पूरा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो चलिए इस साइड पे आ जाइए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फ्रेंड्स सिर्फ एक बैटरी यहाँ पे निकली हुई है और मतलब एक कनेक्टर यहाँ पे निकला हुआ है और सिंगल साइड का कनेक्टर मैंने यहाँ पे लगाया है। और अब मैं फिर से एक बार ऑन करके आपको बता देता हूँ। जैसे पावर की दबाएंगे तो सिर्फ लोगो आके चला जाएगा, ये देख सकते हैं मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब तक दूसरी बैटरी लगेगी नहीं ऑन नहीं होगा। तो यहां पे मैं इसमें अभी सिर्फ लगाने वाला हूं चार्जर। देख सकते हैं बैटरी का कनेक्टर निकला हुआ है और मैंने यहां पे चार्जर लगाया है। तो अभी ये यहां पर चार्जिंग का परसेंटेज लोगो भी शो करेगा। तो चार्जर मैंने जैसे ही लगाया यहां पर, ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लोगो और परसेंटेज दोनों आ जाएगा, 15% चार्ज है और सिंगल बैटरी यहाँ पे निकली हुई है। और अगर अब मैं इसको ऑन करना चाहूं तो पूरी तरीके से ये ऑन होगा। एक बार मैं यहाँ पे देखिए बैटरी निकली हुई है सिंगल, यही मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो है, बाकी यहाँ पे मैंने इसमें हमने जो प्रॉब्लम के लिए आया था मोबाइल हमने इसको सॉल्व कर लिया है, उसका भी वीडियो आप देखेंगे। तो अभी चार्जर लगा करके ऑन कर लिया हूं मैं, ये देख सकते हैं अभी इसमें लोगो भी आएगा और एक ही बैटरी लगी हुई है। तो यही ट्रिक इसमें मैंने बताया है कि अगर आपको ऑन करना है सिंगल बैटरी से तो यहाँ पे एक बैटरी निकली हुई है जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है, सेकंड लोगो आ चुका है, अभी भी बैटरी निकली हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है। तो ट्रिक ये फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे सर चार्जर लगाकर तो हम हमेशा रहेंगे नहीं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे होने वाला है मैजिक। ये देख सकते हैं ये मोबाइल हमारा अभी भी पूरी तरीके से ऑन है, देख सकते हैं अभी भी बैटरी यहां पे निकली हुई है, सिंगल बैटरी से अभी चल रहा है मोबाइल। जब तक आप चलाएंगे इसको मोबाइल पूरी तरीके से चलेगा, बंद नहीं होने वाला है। देख सकते हैं चार्जर भी लगाएंगे तो चार्जिंग भी लेगा, यहां पे देख सकते हैं 15% पे है। मैं यहां पे वापस से चार्जर लगा के बता देता हूं आपको। तो ये देख सकते हैं चार्जर मैंने लगाया है, तो ये देख सकते हैं चार्जिंग का परसेंटेज आ चुका है यहां पे लोगो, चार्जिंग का लोगो सिंबल शो कर रहा है। ये देखिए चार्जर निकाल लिया हूं और वापस से लगाऊंगा, देख सकते हैं सिंगल बैटरी पे सारा काम होगा सिंगल कनेक्टर से। और आपको सिंगल से यूज करना है तो इस ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं, हालांकि आपको ऐसा यूज नहीं करना है, आपको रिपेयर करना है दूसरी बैटरी का, दूसरा कनेक्टर के पास कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ बैटरी का लोगो शो करेगा। ये एक छोटा सा सोल्यूशन इस वीडियो में दिया हूं मैं आपको, और जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया है, शायद हो सकता आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देखिए कि इस हैंडसेट में जो तीन तीन चार्जिंग ऐसी लग के है, तो यहाँ पे हमने इसका पूरा कंसेप्ट भी समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वापस से बताइए, एक और नया वीडियो इस पे हम बताएंगे। और इसमें जो लग के है ये दो आईसियां जो मिलेंगे आपको साउथ चिप के नाम से दिखेंगे, ये भी इस वीडियो में मैं बता देता हूं। और इसमें आ जाते हैं वापस, तो इसको एक बार बंद कर देता हूं मैं। एक बार आपको बताता हूं कि जो दूसरे सपोर्टिंग चार्जिंग आईसियां जो लेटेस्ट मॉडल्स में आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, एक बार ये भी देख लेंगे। तो पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे और यहां पर बोर्ड में मैं बताना चाहूंगा आपको, ये देख सकते हैं यहां पे आपको साउथ चिप के नाम से एक आईसी दिख रही है, ये हमारी सपोर्टिंग चार्जिंग आईसी और यही आईसी यहां पे भी लग के है, मतलब दो दो आईसियां यहां पे लग के है। और इसका जो मेन चार्जिंग आईसी है बीक्यू आईसी, मतलब एक और चार्जिंग आईसी यहां पे लगा होगा इसका। तो ये साउथ चिप जो लिख के है, एक बार जूम करके मैं बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं साउथ चिप SC8551A। तो यहां पे भी देखेंगे यही नाम से एक और आईसी मिलेगा,
देख सकते हैं यहाँ पे भी इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें थोड़ा सा डस्ट है। तो ये एसी और ये एसी दोनों हमारी सपोर्टिंग चार्जिंग एसी है। तो ये हमारा डबल बैटरी कंसेप्ट आपने देखा कि दो दो बैटरी इसमें लग के है, मतलब दो दो एक बैटरी में दो दो कनेक्टर्स इसमें लग के है। तो इसमें इंटरनली कैसा होता है, और एक दो डबल बैटरी भी आती है वो भी हम आगे लेकर आएंगे, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी बताएंगे। इसमें हो क्या रहा है, क्यों दूसरी बैटरी लगाने पर ही सेट ऑन हो रहा है, क्यों चार्जर से ऑन हो रहा है, इसको अगर अच्छे से कंसेप्ट समझना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। 27 जुलाई से हमारा बैच है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।